हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का वीडियो में हम जानेंगे कि वेबसाइट जो है कैसे बनाते हैं बिना कोडिंग के। तो सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च कर लेना है विक्स। पहली वेबसाइट आपको मिलेगी wix.com, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर जाएंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा, आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। अभी आपको लॉगिन कर लेना है। मैं अभी गूगल से डायरेक्ट लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह का दिखाई देगा, कुछ डिफरेंट भी आपको दिखाई देगा अपने हिसाब से। जैसे ही आप लेस टू पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो अभी जो है वो विक्स पूछ रहा है कि आप किसके लिए वेबसाइट बना रहे। तो मैं अभी फिलहाल मेरे लिए वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया माई सेल्फ और ये वेबसाइट कौन सी कैटेगरी की वेबसाइट है। तो अभी हम फिलहाल जो है वो बिजनेस की वेबसाइट बना रहे हैं। आप अपने हिसाब से जो भी वेबसाइट बना रहे हो वो वेबसाइट बना सकते हैं। मैं अभी बिजनेस की वेबसाइट बना रहा हूँ, वो भी एक अभी आपको विक्स पूछ रहा है कि आपने कभी वेबसाइट बनाई है या नहीं बनाई है। सो हम नेवर डन दिस बिफोर पे क्लिक कर देते हैं। ओके, सो इधर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। विक्स अपने हिसाब से टेम्पलेट आपको चूज करके दे देंगे, और दूसरा है कि आप अपने हिसाब से जो है टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, विक्स के साथ जाएंगे। सो अभी आपको जो है वो वेबसाइट का टाइप, यानी कि किस टाइप की जो है वो वेबसाइट है। सो मैं अभी लिखूंगा एजुकेशन टाइप की हम जो है वेबसाइट बना रहे हैं। तो हम लिखेंगे एजुकेशन ब्लॉग बना रहे हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आपको। विक्स जो है वो अभी पूछ रहा है कि आपको कौन से फ्यूचर चाहिए, लाइक चैट बॉक्स। तो आप चैट बॉक्स पे क्लिक कर सकते हो। ऑनलाइन स्टोर, हमें फिलहाल ऑनलाइन स्टोर नहीं चाहिए, हम एक ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं। तो फिर इधर भी कुछ जो है वो आप बुकिंग है, प्राइसिंग प्लान है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है फ्यूचर्स अवेलेबल है। अभी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको जो अभी तो हमें ब्लॉग का नाम लिखना है, सो आप कोई भी ब्लॉग का नाम लिख सकते हैं अपने हिसाब से। मैं अभी लिख देता हूँ मेरे ब्लॉग का नाम कोर्स क्रिश। अभी आपके बिजनेस का जो गूगल प्लेस है, अगर आपने गूगल मैप पे डाला हुआ है तो आप इधर लिंक दे सकते हैं, और आपकी जो ऑलरेडी वेबसाइट है तो आप जो है वो वेबसाइट भी दे सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये जो है वो विक्स का अकाउंट है। सो इधर से आपको जो है वो थीम चॉइस करनी है। मैं जाऊंगा मिनिमल के साथ। अभी जो है वो होम पेज की डिजाइन चूज करनी है हमें, कि हमारा होम पेज जो है वेबसाइट का कैसा दिखेगा। तो मैं चाहूंगा अभी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट है, इस पर पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट है। ये वाला काफी कूल लग रहा है, तो इसे ही हम चूज करेंगे। अभी कॉन्टेक्ट पेज है, अबाउट पेज है, डिफरेंट टाइप के पेज है जो आपको ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। मैं अभी जो है वो सिर्फ कॉन्टेक्ट पेज ऐड कर रहा हूँ। आपको इधर से ऐड कर देना है, और ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आपको एडिट साइट दिखेगा, उस पर चले जाना है। सो अभी जो है विक्स आपकी वेबसाइट जो है वो बिल्ड कर रहा है। सो गाइस, हमारी वेबसाइट रेडी हो चुकी है बन के, आप देख सकते हैं। ए हो गया हमारा ब्लॉग, ए हो गया हमारा कॉन्टेक्ट पेज, और यहाँ पे जो है हम गूगल का एड्रेस डालना है तो डाल सकते हैं, लेकिन हमें जो है नहीं चाहिए तो इधर से आप डायरेक्ट जो है वो डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ब्लॉग वेबसाइट है तो इधर कुछ चाहिए नहीं। हमारा चैट बॉक्स भी आ चुका है, आप देख सकते हैं चैट बॉक्स कुछ इस तरह का दिख रहा है। आपको जो है वो अपने हिसाब से इधर आप एडिट कर सकते हैं, जैसे कि मेरे को ये वेलकम टू नहीं चाहिए तो मैं इधर से जो है वो वेलकम टू हटा सकता हूँ। जैसे ही हटाऊंगा देख लीजिए डायरेक्ट आ चुका है। अभी
ऊपर राइट कॉर्नर में आपको पब्लिश दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। अभी आपका जो आपके पास ऑलरेडी कस्टम डोमेन है तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो विक्स अपना डोमेन देता है wixsite.com, आप इस पर भी अपनी वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी लिखता हूँ कोर्स क्रेश, तो अभी जो है वो वेबसाइट हमारी कुछ इस तरह से दिखेगी। सो अभी आप इधर से जो है वो पब्लिश कर सकते हैं, पब्लिश एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट जो है वो पब्लिश हो रही है। अब कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, हमने हमारी पहली वेबसाइट बना ली, वो भी बिना कोडिंग के सिर्फ 5 मिनट में। सो अभी आपको अपनी साइट विजिट करनी है तो इधर पे आपको ऑप्शन मिलेगा वेबसाइट जो है वो, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी साइट जो है वो बिल्कुल रेडी है। कॉन्टेक्ट पेज पे हम तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पेज खुल जाएगा, होम पे जाएंगे तो देखिए होम रेडी है हमारा बिल्कुल। इधर पे आपको सारे ब्लॉग लिखने हैं तो आपको ब्लॉग दिख जाएंगे, जैसे ही ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये रहा ब्लॉग। अभी आप सोचेंगे कि ये ब्लॉग जो है वो तो ऑलरेडी है, तो हम अपने हिसाब से ब्लॉग कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट से आपको विक्स में आ जाना है, इधर पे आपको जो है वो एड का ऑप्शन मिलेगा, इधर से आपको दूसरे पेज एड कर सकते हैं, करना है तो कर सकते हैं। इधर से डिजाइन आप चेंज कर सकते हैं, मैंने जब इधर से आप ब्लॉग के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको जो है वो ऑलरेडी पब्लिश जो ब्लॉग है वो दिखेंगे। न्यू ब्लॉग लिखने तो क्रिएट न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं अभी एक ब्लॉग लिख के आपको दिखा देता हूँ। अभी जो है वो इसे पब्लिश करते हैं, तो इधर राइट कॉर्नर में इसका पब्लिश ऑप्शन है, तो देखिए हमने एक ब्लॉग लिख दिया। अभी वेबसाइट में जाके देखते हैं कि वो आया कि नहीं, ये देख सकते हैं हमारा ब्लॉग जो है वो आ चुका है टेस्ट टेस्ट। तो आप अपने हिसाब से जो भी करना है वो कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं इसे। सो दैट्स इट गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।